नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनमोल आइडियाज़ पे। मेरा नाम है अनमोल और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हीरो स्प्रिंट नेक्स्ट 0.3। ये दोस्तों नेक्स्ट का जो लेटेस्ट वर्जन है गियर वाला, ये वो वर्जन है। इसका जो बॉडी है वो स्टील फ्रेम है और इसमें जो कलर ऑप्शन आपको अवेलेबल है वो है फ्लोरोसेंट ऑरेंज, फ्लोरोसेंट ग्रीन और रेड कलर। ये जो साइकिल आपके सामने है इसका साइज 26 है। अगर हम इसके इनबॉक्स एसेसरीज़ के बारे में बात करें तो आपको इसके साथ बेल, मडगार्ड, रिफ्लेक्टर और स्टैंड मिल जा सकता है। अगर आपको लॉक और वाटर बॉटल होल्डर चाहिए तो आप एक्सटर्नली बाय कर सकते हैं। अगर इसके गियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें आपको शिमानो टोनी गियर मिलता है। आगे की तरफ आपको मिलता है 3 फ्रिक्शन और पीछे की तरफ 6 स्पीड, जिसका कॉम्बिनेशन होता है 18 गियर्स का। ब्रेक की बात करें तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, इसमें आपको वी चैनल वाला पावर ब्रेक मिलता है। हालांकि पीछे इसमें डिस्क ब्रेक लगाने के लिए जगह दी गई है, एक्सटर्नली आप चाहें तो कुछ पैसे लगा के लगा सकते हैं। अगर इसके शॉक अब्जॉर्वर की बात की जाए तो जो फ्रंट का जो हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्वर है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, और जो पीछे का शॉक अब्जॉर्वर है उसमें आपको 3 अलग अलग लोकेशन दिए गए हैं जहाँ पर आप उसका स्क्रू प्लेस करके शॉक अब्जॉर्वर अपने यूज़ के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर हम इस साइकिल के सीट हाइट की बात करें तो ये जो रॉड है ये मैंने एक्सटर्नली लगाया था, इसके साथ बहुत छोटा रॉड आता है। और अगर आपकी हाइट 5 to 5 feet 6 inches है तो आप ये इसे यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हाइट के लिए आपको खुद से रॉड लगवाना पड़ेगा। सीट की बात करें तो इसका सीट बहुत ही सॉफ्ट, कम्फर्टेबल और वाटर प्रूफ है। जो सीट की हाइट है वो आप कुछ 9 inches तक इंक्रीज़ कर सकते हैं जो ओरिजिनल रॉड आता है। उसके हैंडल की बात करें तो हैंडल पे आपको प्लास्टिक ग्रिप मिल जाता है। और जो गियर है उसमें आपको रेवो शिफ्टर मिल जाता है। अगर हम इसकी टायर की बात करें तो आगे पीछे आपको नॉर्मल साइज, मीडियम साइज़ की जो टायर है वो मिल जाते हैं 26 इंच वाले, जिससे आप नॉर्मल रोड पे भी और चाहें तो माउंटेन बाइक में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक स्पोर्ट बाइक है। उसके बाद अगर हम इसके बात करें तो इसमें प्लास्टिक पेडल और जो ब्रेक है वो नॉर्मल अलॉय जैसा है। अगर हम इसकी नाइट राइडिंग के लिए फैसिलिटी की बात करें तो इसमें आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे कि फ्रंट में वाइट रिफ्लेक्टर, बैक में रेड रिफ्लेक्टर, पेडल में आपको रिफ्लेक्टर में। और साथ ही व्हील में भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैंने जो वीडियोस में शॉर्ट्स डाले हैं वो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस साइकिल की जो रेट है ये आज के डेट में आपको 8
5,000-7,000 अलग अलग जगह अलग अलग मिलती है। जिस शॉप से मैंने लिया था वहाँ पे मुझे 8,500 में मिली थी और मेरे को इसके साथ 12 सर्विस भी फ्री मिली थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और कुछ सजेशन है तो आप दे सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।